वास्तविक देखेंगे ना, मैं एक निकट सच्ची बोलता हूँ, जो सत्य बोलता हूँ, निपट मूर्ख हूँ। हमारे गुरु महाराज जब मैं पुणे में ज्वाइन किया, अभी होगा 35-30 साल हो जाएगा, पहले पुणे में 7 साल था, बाद बॉम्बे में आया। जब पुणे में था मैं, उस टाइम पुणे में हमारे महाराज के एक वरिष्ठ भक्त था, गृहस्थ था, और मैं ज्वाइन किया उस टाइम पे, और एक प्रभु जी था, और वहाँ पे उस टाइम पे हिज उन्नीस राधानंद महाराज के भक्त लोग भी थे। और मैं महाराज को मिला, महाराज को मिला नहीं था, मेरी इच्छा मैं भी महाराज से दिखा लूँगा। तो उसके पहले वहाँ पे दूसरे भक्त थे, परम पूज्य राधानंद महाराज के भक्त, वो बहुत सीनियर भक्त, मेरे को बोले तुम ले लो दिखा राधानंद महाराज से, ना बोले नहीं मैं लेगा गोपाल महाराज से, क्योंकि तीन चार साल में वेट किया, मतलब महाराज को लूँगा, महाराज से लूँगा। उस टाइम महाराज का हार्ट अटैक थोड़ा हुआ उस टाइम पे, तो रुक गया। तो फिर महाराज हमारा में कैसे महाराज के प्रति आकर्षित हुआ, गुरु महाराज आए थे लेक्चर देने के लिए उस समय, अभी तो 1,000-2,500 लोग आते हैं, 15-20 लोग थे सिर्फ। कितना लोग, महाराज आए तो पुणे में 15-20 लोग थे। मैं उनके लेक्चर सुना, प्रवचन सुनने के बाद मैं निश्चय किया मैं लूंगा गोपाल कृष्ण महाराज से दीक्षा। जब निश्चय किया तो 3 साल बीत गया, ये नहीं, एक और प्रेसिडेंट से मेरा झगड़ा किया, बोले क्यों मेरे को भेजा नहीं, मैं मायापुर में जाके लेता था, क्यों नहीं लेने का, मेरे को इच्छा है लेने को। फिर गुरु महाराज के पास दीक्षा लिया, तो दीक्षा लेने के बाद दीक्षा लिया राधा राशि बारी में दीक्षा लिया जाके, तो मेरी इच्छा था, लोगों बोले तुमको महाराज क्या आदेश दिया, बोले महाराज ऐसे। फिर मैं बॉम्बे आया, गौरीदा को प्रार्थना किया, भगवान गुरु महाराज मेरे को बोलेंगे तो झाड़ू मारने का ना, मैं झाड़ू मारूंगा, अगर बोले बाथरूम धोने का तो बाथरूम धोएगा, कुछ तो बोलना चाहिए। गौरीदा को प्रार्थना करके फिर गुरु महाराज के पास गया रूम पे, गुरु महाराज मेरे को बोले तुम सेवा करने का प्रचार करने का। उसके पहले मैं 3 साल तक प्रचार करता था, जीरो, कुछ भी नहीं, ये कि भी भक्त नहीं बन सकता था। तो गुरु महाराज जी बोले तुम प्रचार करो, सेवा करो, फिर गया शुरू किया। पहले बैच में 10-15 लोग दीक्षा लिए, दूसरे बैच में 25 लोग दीक्षा लिए, तीसरे बैच में भी 15-25-30 लोग दीक्षा लिए, गुरु महाराज से दीक्षा लिए, और बहुत वो बताएंगे नहीं मैं। फिर गुरु महाराज की कृपा से कुछ कंप्लेन आया, हरदास को रखेंगे तो हम नहीं रहेंगे, या उसको प्रेसिडेंट बनाओ हम चल जाएंगे। महाराज मेरे को बोले हरदास तुम बॉम्बे आ जाओ, बॉम्बे गया। मेरे को बोले महाराज तुम बॉम्बे में प्रचार करो, तेरे टांग खींचने वाला कोई नहीं रहेगा, ऐसे बोले, तुम्हारा टांग खींचने के लिए कोई नहीं रहेगा, तुम प्रचार करो। जब बॉम्बे में आया कोई नहीं प्रचार करता था। फिर मैं बोला कैसे करूँगा, मेरे को तो मालूम नहीं ABCD, लेकिन गुरु महाराज का आदेश है, कृपा है, और यहाँ बैठे हैं पंचानंद प्रभु जी, अब पूछो उनको। देखो मैं 7 क्लास पढ़ाई किया, 8 क्लास भी गया नहीं, अंगूठा छपा है, सच्ची बोलता हूँ, लेकिन मैं कैसे करूँगा। मैं पंचतत्व के पास जाता था, प्रभु जी फोन करना है तो हमारे ऑफिस में आओ, मैं उनको बुलाएंगे, मेरे को उनका ऑफिस में मेरे को बोलेंगे तुम फोन करो, किसको फोन करो, देखो कैसे हेल्प किए, क्या हेल्प किए, हमको बच्चे के समान संभाले। और महाराज मैं बॉम्बे आया, बॉम्बे में प्रचार किया, प्रचार करने के बाद हमेशा महाराज जी मेरे को बोलते थे तुम ना मूर्ख हो, तुम गधा हो, तुम अनपढ़ गंवार हो, हमेशा। और मैं हमेशा गौरीदेव को प्रार्थना करता था कि भगवान मेरे को इच्छा है गुरु महाराज का भक्त बनाऊं, लेकिन महाराज की इच्छा है नया भक्त बनना चाहिए।
और हम तो लिखा पढ़ा नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे करूंगा मैं? भगवान को बोलता गौरताई को राशि भाई को मेरे को महाराज का भक्त बनाना है, प्रार्थना करें मंगलाती में, और मंगलाती प्रार्थना करें प्रत्येक दिन कि मेरे को गुरु महाराज का भक्त बनाना है, मेरे को आता नहीं। और गुरु महाराज जी मेरे को बोले तुम नया भक्त कहाँ है, तुम वही भक्त क्या है, ये बोलते थे। और गुरु महाराज के पास आज बहुत भक्त बने, वो तो गुरु महाराज जी भक्त बनाया, गुरु महाराज ने भक्त बनाया। कभी कभी मैं जाता था सेवा करने को, महाराज मेरे को बोलेंगे नहीं नहीं तुम जाओ प्रचार करने को, 10 बज गया प्रचार करने का आएंगे, रात 9:30 हो जाएगा, 10 बज जाएगा, मैं घुस जाएंगे महाराज के रूम पे सेवा करने को, महाराज बोलेंगे तुम जाओ प्रचार करने को। मैं भी थोड़ा बदमाश हूँ सच्ची बोलता हूँ, महाराज बोले, मैं बोले महाराज अभी 10 बजे किसको पिचिंग करूँगा, 10 बजे किधर पिचिंग करने जाऊँगा, नहीं जाऊँगा मैं आपके सेवा करूँगा। जैसे बाप बेटा का संबंध है ना, ऐसा मैं महाराज के साथ ऐसे में महाराज मेरे झगड़ा करते थे, मैं महाराज जाऊँगा नहीं, मैं आपका सेवा करूँगा भी जाऊँगा, मैं आपका सेवा नहीं करूँगा मेरे को ताकत कहाँ से मिलेगा, मैं आपका सेवा करूँगा मैं जाऊँगा नहीं। बोलेंगे तुम जाओ, तुम मेरे पास सुनते नहीं, सुने के बाद थोड़ा करके जाऊँगा मैं। ऐसे मैंने बाप बेटे का संबंध है। अभी फिलहाल देखिए मैं सफेद कपड़ा पहना हूँ, मैं माया हूँ, सच्ची माया हूँ, 100% माया हूँ। लेकिन थोड़े दिन पहले मेरे कंप्लेन आया ऐसे ऐसे से, मैं बोला महाराज जो बोलेंगे मानूंगा मैं, आप जो बोलेंगे मैं मानूंगा, जो बोलेंगे मानूंगा, तुम सफेद कपड़े ना पहनेंगे, यस महाराज पहनूंगा, लेकिन जो बोलेंगे मैं मानूंगा मैं सफेद मीटिंग हुआ सफेद हरा सफेद कपड़ा पहनेगा 1 साल के लिए, सफेद कपड़ा पहन के मंगलाती में गया, मेरे को थोड़ा दुख नहीं लगा। गुरु महाराज मेरे को देखे, गुरु महाराज के आँख से पानी आ गया, मैं बोला महाराज मैं इसलिए सफेद, आप बोले थे ब्रह्मपुर में जाकर पहनने को, नहीं आप मैं जब नहीं पहनूंगा लोग बोलेंगे गोपाल महाराज अपने शिष्य को सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे इंसल्ट होने दो, आपका इंसल्ट होना नहीं चाहिए, मेरा बदन होने दो, लोग मेरे को बदनाम करने से चलेगा, आपको कोई बोलेगा अच्छा नहीं। देखिए गुरु की क्या शक्ति है, और मेरे पास जो देखिए हम तीनों गुणों में बंधा हुआ हूँ, माया में हूँ। जैसे पिताजी अपने बच्चे को ट्रीटमेंट करके इंजेक्शन देके ठीक करना चाहता ना घर पे ले जाने के लिए ना, मेरे हृदय में जो काम क्रोध सब भरा हुआ था ना, बहुत ईगो था मेरे पास, बहुत घमंड, बहुत मने बदमाश नंबर वन। लेकिन महाराज को मालूम है वो जाएंगे भगत धाम, अरे मेरे को कौन लेके जाएगा, अब बाप तो बेटे को लेके जाएगा ना, तो इसीलिए मेरे को ऐसे ट्रीटमेंट किए। मैं जानता हूँ मेरे को जो दंड मिला दंड नहीं, मेरे को तो गुरु महाराज की विशेष करुणा है, महाराज की विशेष करुणा है कि मेरे को पक्का बनाने के लिए सेटिंग किया। और कभी कभी मैं गुरु महाराज सेवा करने के लिए जाता था ना, मैं जानबूझ करके उनके चरणों को लेगा यहाँ लगाएगा, यहाँ लगा के रखेगा, महाराज चेयर में बैठेंगे चरण यहाँ लगेगा, तेल मालिश करेगा ऐसे हमेशा, मैं जब भी जाएगा ऐसे करेगा। कभी कभी महाराज बोलते थे, जब एक बार महाराज को कुछ दौड़ जोड़ते मुझे हरदास नरसिंह का दिखाओ, मैं महाराज के पास बैठा नरसिंह का दिखाया, और हमेशा जाता था मैं महाराज के पास, कभी भी लोगों को मिल के जाएगा, मैं पिचिंग करेगा, देखिए महाराज है पढ़ कर आ जाओ, और महाराज की कृपा है जो बम्बई आएंगे उसी एक दिन पहले बोल देंगे मैं आ रहा हूँ बम्बे, लेक्चर महाराज लेक्चर देंगे तो मेरे को उनका असिस्टेंट बोल देगा, नहीं तो महाराज बोल देंगे हरदास मैं लेक्चर दूंगा, ठीक है तुरंत मैं फोन करके लोगों को किसी भी हालत में भगवान कृपा से गुरु महाराज कृपा से हमारा टीम एक भी मिस नहीं करता था, आने का मतलब आने का, हम ऐसे सिस्टम कर दिए थे कि एक व्यक्ति समझो 200-500 लोग है, 10-15 मिनट में 5 लोगों को फोन चल जाएगा महाराज के लेक्चर आने का रेडी कर देंगे, और महाराज एंड में बोलेंगे नहीं दूंगा लेक्चर लेक्चर नहीं दूंगा, फिर फोन करेंगे ए महाराज का लेक्चर कैंसिल हो गया, फिर महाराज लेक्चर देने से पहले बोले पूछेंगे लेक्चर दू, बोले महाराज मैं सबको बोल दिया
आप नहीं देंगे इसे कैसे होगा, आप दीजिए आप दीजिए। महाराज जी की जो एक बार कभी कभी पिचिंग में झगड़ा होता है, कोई जैसे हम किसको पिचिंग करते वो अलग हो जाते अलग अलग करते हैं। मैं महाराज बैठे थे सोए थे, मैं महाराज चरण दबा रहा था। महाराज बोले हरादास सब निकल जाते हैं, मतलब तुमको छोड़ के निकल जाते हैं, हरादास सब तुम्हारे से लोग छोड़ के भाग जाते हैं, क्यों कुछ लोग निकल गए। तीन बार बोले, मैं कुछ नहीं बोला। महाराज कितना हम्बुल देखिए, बोलते तुमको खराब लगा। मैं बोला महाराज आप जो बोलते हो मेरे को हृदय से अच्छा लगता है, जो बोलते हो अच्छा लगता है। मेरा आँख ऑपरेशन होने वाला था, मैं महाराज बोला महाराज मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल में ना, जा जा जा, इसे मैं सिर पे इसे हाथ लगाया। मैंने बेटे के समान प्यार किया है। क्योंकि अच्छा बच्चा रहता ना, लेकिन क्योंकि बदमाश बच्चा रहता है, और महाराज का मैं एक बदमाश बच्चा हूँ। और ये मैं आप लोगों से भी आशीर्वाद चाहता हूँ कि मेरे को आशीर्वाद कीजिए, मेरे गुरु महाराज का मैं सेवा अंतिम समय तक। अंतिम समय तक कर सकूं, क्योंकि कोई जो गुरु है प्योर है शुद्ध है, भगवान के पास ले जाएंगे, संदेह नहीं, सिर्फ गुरु के आदेश को अगर हम पालन करेंगे संदेह नहीं, रंज मात्र डाउट नहीं है, आप भगवत धाम जाओगे। और हमारा महाराज प्रभुपाद जी के प्रति कितना निष्ठा है, और इसका मतलब नहीं कि महाराज चल गए और हम लोग कभी सो जाएंगे, महाराज चल गए सो जाओ अभी, अब कुछ नहीं। महाराज कहाँ गए नहीं, महाराज है, महाराज का परम, हमारा प्रभुपाद चल गए कितना बढ़िया। तो महाराज अपने धाम पे चल गए, महाराज किसके से, महाराज का एक गुण था वो किसके सेवा लेने देते। कभी क्या हम लोग जाते थे ना महाराज को, महाराज मैं बैठा हूँ, नहीं नहीं मैं बैठूंगा, ऐसे थक के बैठेंगे, लेकिन मदद नहीं लेते थे। महाराज की इच्छा नहीं था कि मैं किसका हेल्प लूँ, इसलिए कृष्ण ने उनकी इच्छा को पूर्ति किया कि तेरे कोई तुम किसका हेल्प नहीं लेगा, तुम ओके होके जाओगे। देखिए कितना मर्सीफुल है हमारा आध्यात्म गुरु। हाँ, इसलिए गुरु महाराज जी ने जो आदेश दिया है परफेक्ट आदेश पालन करेंगे हम लोग, चार नियम फॉलो करेंगे, गीता भागवत हम पढ़ेंगे, शास्त्र के अनुसार शास्त्र अनुसरण करेंगे, जो अथॉरिटी उसको फॉलो करेंगे ना, कोई जरूर नहीं कि आपको बहुत बड़ा डिग्री चाहिए, बहुत बड़ा श्लोक चाहिए, बहुत बड़ा पदवी चाहिए, बहुत पोजिशन चाहिए, आप भगवत धाम जाओगे, नहीं कुछ भी नहीं जाएंगे, सिर्फ विश्वास होना चाहिए गुरु के वचन पे, संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। और देखिए महाराज मेरे को मीटिंग हुआ, मेरे को बोले पंचतंत्र को जाओ, मेरे को बोले ऐसे महाराज परिक्रमा करते थे, बोले पंचतंत्र को हेल्प करना, ऐसे घूमते थे ना महाराज, बोले तुम पंचतंत्र को तो हेल्प कर देने के ना, पंचतंत्र को मंत्री बना दो, ऐसे कितना प्यार करते हैं पंचतंत्र प्रभु को, महाराज बहुत प्रेम करते हैं आपको मालूम नहीं। हरी बोल, इतना प्रेम करते हैं हम लोग तो कुछ नहीं है, मैं सही बोलता हूँ। कितने बार मेरे को बोले महाराज पंचतंत्र तुम मेरा भक्त है, तुम उधर जाओ थोड़ा दिन के लिए, कितना इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। पंचतंत्र उन्होंने मेरे को बेटे के समान मानता है, देखो कितना मेरे को ख्याल रखते हैं, नहीं तो ऐसे तो सफेद कपड़ा पहना बदनामी है माया में, लेकिन पंचतंत्र को देखो मेरे को कितना मैंने प्रोटेक्शन करके रखा है, जैसे बाप बेटे को रखता है ना, ये क्यों हमारा बड़ा भाई है और हम छोटा भाई है, बाप गए तो बड़े भाई लोग है ना मदद करने को। इसलिए हम भी आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, पंचतंत्र प्रभु गुरु महाराज के निकटतम व्यक्ति है, और गुरु महाराज के साथ आप पंचतंत्र का लेक्चर सुना ना दिल्ली में बोल रहे थे ना, सुना कि नहीं तो विचार करो महाराज के प्रति उनका कितना। इसलिए आप अगर गुरु महाराज की कृपा चाहिए,
प्रभु पद कृपा चाहिए, कृपा करके पंचतंत्र प्रभु के आदेश को पालन कीजिए, गारंटी कृपा मिलेगा। ठीक है, हरे कृष्णा। और आप लोग मेरे को आशीर्वाद कीजिए कि मैं भक्ति करूं, माया में न जाऊं।